हेलो वेलकम, यू आर वाचिंग एनटीवी अमेरिका। दिस इज सारा चौहान। देख लेते हैं टॉप 20 न्यूज। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने एनर्जी कॉस्ट को कम करने के लिए $13 बिलियन से ज्यादा के असिस्टेंस का किया ऐलान। लो इनकम होम एनर्जी असिस्टेंस प्रोग्राम से एनर्जी कॉस्ट कम करने की पहल। अमेरिका के 46 स्टेट्स में अर्ली वोटिंग के दौरान 28 मिलियन बैलेट कास्ट किए गए। एक वीक के अंदर हुई है ये वोटिंग। एलन मस्क ट्विटर पर वीडियो देखने के लिए पे वॉल। वीडियो के फीचर पर कर रहे हैं काम। इस फीचर के जरिए वीडियो ओनर वीडियो के लिए कर सकता है फ्री चार्ज। एलन मस्क का ऐलान, अब ट्विटर पर ब्लू चेक के लिए चुकाने होंगे $8। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर किया इसका विरोध। यूएस में फेडरल रिजर्व ने 6 टाइम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। 0.75% इंटरेस्ट रेट हुआ इंक्रीज। न्यूयॉर्क सिटी मैराथन की फुल कैपेसिटी में वापसी। न्यूयॉर्क सिटी मैराथन में 50,000 रनर्स कर रहे हैं पार्टिसिपेट। कॉमकास्ट और चार्टर का नया स्ट्रीमिंग ज्वाइंट वेंचर है जूमो। ये एड सपोर्टेड प्लेटफॉर्म होगा एकदम फ्री। सीवीएस और वॉलग्रीन के बीच बड़ा सेटलमेंट। सीवीएस और वॉलग्रीन $10 बिलियन के ओपियोइड सेटलमेंट पर हुए एग्री। यूएस में बढ़ते आरएसवी के केसेस के बीच जीएसके की वैक्सीन सीनियर सिटीजन के लिए अप्रूव हुई। एफडीए ने जीएसके की बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन को किया एक्सेप्ट। सिएटल चिल्ड्रंस मोल्ड इन्फेक्शन केस के मामले में ज्यूरी सिलेक्शन शुरू हो चुका है। सिएटल चिल्ड्रंस में मोल्ड इन्फेक्शन की वजह से कई बच्चों की गई थी जान। न्यूयॉर्क के रोचेस्टर में पिंक एनवलप ने किया सस्पेंस क्रिएट। पुलिस इसे ड्रग से कनेक्ट कर इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक्टर एलेक बाल्डविन के केस डिसमिस करने को लेकर जज ने साफ इनकार किया। रस फिल्म की शूटिंग के दौरान सिनेमेटोग्राफर की गई थी जान। मच अवेटेड फिल्म अवतार वे ऑफ वाटर का ट्रेलर हुआ रिलीज। 16 दिसंबर को हो रही है फिल्म रिलीज। नॉर्थ कोरिया ने 23 मिसाइल्स दाग दी हैं साउथ कोरिया से लेकर जापान तक रेड अलर्ट। साउथ कोरिया आइलैंड में रेजिडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया। नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका ने साधा निशाना लगाया। रशिया को हथियार सप्लाई करने के आरोप। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने दी है ये पूरी जानकारी। यूक्रेन से ग्रेन एक्सपोर्ट को लेकर रशिया की ओर से पॉजिटिव सिग्नल। रशिया ने ब्लैक सी के थ्रू यूक्रेन से ग्रेन एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने बकिंगम पैलेस में ब्रिटिश एशियन कम्युनिटी के लोगों से की खास मुलाकात। ब्रिटिश एशियन और युगांडा के रीसेटलमेंट की 15th एनिवर्सरी। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पर लिए गए अपने फैसले से यू टर्न ले लिया। ऋषि सुनक का यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP27 में हिस्सा लेने इजिप्ट जाएंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे देश श्रीलंका में टैक्स हाइक्स के बाद प्रोटेस्ट। लोगों ने लॉन्ग मार्च निकालकर जमकर प्रोटेस्ट किया। फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे कतर में तैयारियां लगभग पूरी। दोहा में 2 एयरपोर्ट विजिटर्स के वेलकम के लिए तैयार। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक 1.2 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स के आने की उम्मीद। टॉप 20 में बस इतना ही। बने रहिए एनटीवी अमेरिका के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।